ये 500 साल पुराना मंदिर और ये 84 फीट नीचे है जो मेन उनकी समाधि है। तो सिंगाजी महाराज वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, ये खंडवा के पास में जावर से आगे आता है। वैसे उस पार नहाने की व्यवस्था है, मतलब जो नदी है। तो जैसे हमने आपको बताया था, वहाँ पे तुलादान की मान होती है, तो जब भी जिनकी भी मन्नतें मांगी जाती है, Hey guys, welcome to new day and my new vlog. तो आज ये आपने जो लोकेशन देखी है, ना, हम कोई लोकेशन देखने नहीं आए। ये है एक ब्रिज, और वहाँ पे जाएंगे हम जहाँ पे है सिंगाजी महाराज। तो चलो चलते, अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है। फाइनली हम पहुंच गए सिंगाजी महाराज, और यहाँ पे नदी भी है, तो नदी में शायद हम जाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे गेट है, वो गेट से हम अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ पे चप्पल उतारी जाए, अंदर आ चुके हैं, मंदिर वहाँ पे है। उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, 1576 का उनका जन्म है और 1616 के उन्होंने समाधि ली थी। तो चलिए उनकी समाधि पे चलते हैं। और कहा जाता है उन्होंने जल में समाधि लेने का कहा था, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जल नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने समाधि ली। उसके बाद में यहाँ पे पूरा जलमग्न हो गया, और ये 84 फीट नीचे है जो मेन उनकी समाधि है, लेकिन वो पूरा जलमग्न हो जाता है, इसीलिए 84 फीट ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। वैसे उस पार नहाने की व्यवस्था है, मतलब जो नदी है, ये नर्मदा आई है यहाँ पे, जिनके जल में जलमग्न है उनकी समाधि। और ये समाधि एक बार खुलती है साल में, जब मई जून जुलाई का महीना होता है, उस टाइम पे भी हम आ सके तो आपको नीचे की समाधि के दर्शन करवाएंगे। दर्शन हो नहीं पाते हैं, इसीलिए ऊपर बनाया गया है मंदिर। चलो ऊपर वाला मंदिर दिखाता हूँ। और जो इनकी एक ज्योति है, अखंड ज्योति है, जो इतने सालों से चल रही है, वो भी आपको मैं ऊपर दिखाऊंगा। तो आप जो ये रेलिंगें देख रहे हो, जब इनका मेला लगता है तब यहाँ पे पूरा फुल हो जाता है। अभी मेला नहीं है तो इतनी भीड़ आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही दर्शनार्थी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो चलो दर्शन करवाते हैं आपको। आपको ज्योति बताइए, वो अखंड ज्योति है जो यहाँ पर है। और जो आपको चरण पादुका बताइए, वो उनके चरण पादुका है। हालांकि यहाँ पर फोटो खींचना मना है, लेकिन हमने वीडियो बनाया। चलो आगे के दर्शन करवाते हैं। जो हमने बताया था, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे बसी हुई है, उन्होंने भी समाधि ली थी, मतलब उन्हें समाधि दी गई थी यहाँ पे। और ये जो समाधियाँ हैं, ये उनके पूरे परिवार के हैं। ऊपर से दिखा देता हूँ, आप जैसे यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। तो उनकी फैमिली में जितने लोगों ने समाधि ली है, उन सबकी समाधियाँ यहाँ पे है। और यहाँ से आपको दिखता है प्यारा सा दृश्य। वैसे इसे बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे तुलादान किया जाता है, उसके बाद में किसी को खाना खाना है या बैठने की व्यवस्था है, तो यहाँ पे पूरा बना हुआ है। ये 500 साल पुराना मंदिर, प्यारा सा मंदिर। यहाँ पे आप पार्क भी देखोगे तो छोटा सा पार्क भी बनाया गया, बहुत ही प्यारे तरीके से सब कुछ सजाया गया है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और जो मैंने रेलिंगें बताई थी कि जब भी यहाँ पे भीड़ होती है, तब यहाँ पे रेलिंगों से जाते हो, लाइन से जाते हो, बहुत भीड़ हो जाती है इनके मेले में। तो जैसे हमने आपको बताया था, वहाँ पे तुलादान की मान होती है, तो जब भी जिनकी भी मन्नतें मांगी जाती है, वो ऐसे आते हैं। तो दिन भर में बहुत सारे दर्शनार्थी ऐसे आते हैं जिनकी तुलादान होती है। तुलादान दिन भर यहाँ पे चलता है, और नवमी पे सिंगाजी का भजन भी होते हैं। तो अगर वो आप सुनना चाहते हो तो नवमी पे आ सकते हो यहाँ पे।
वैसे जाते जाते हम महंत जी से भी मिलवाने वाले थे, लेकिन फिलहाल में तो वो है नहीं, तो हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाई उनसे। काफी धूप भी हो चुके तो हम निकलते हैं अपनी जर्नी पे वापस खंडवा में। तो सिंगाजी महाराज वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, ये खंडवा के पास में जावर जावर से आगे आता है सिंगाजी महाराज का ये स्थल। वैसे खंडवा से यहाँ पे आने में आपको एक से डेढ़ घंटा लग सकता है, खंडवा तो सबको पता ही। आपने जो ब्रिज देखा आते समय, ये वो वाला ब्रिज है। बाहर भी व्यवस्था है गाड़ियां लगाने की भी और खाना खाने के भी। सो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला सिंगाजी महाराज वाला स्पेशल व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले व्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।